किसी भी मेरे भाई को पर्सनली कुछ भी पूछना है, मैंने नंबर अपना स्क्रीन पे दे दिया है। एनी टाइम पर्सनल जो एलर्जी ज्यादा होगी है किसी के डॉग को या कोई और तरह की बीमारी हो, ठीक है, जो जितना मेरे समझ में होगा मैं उसको बता दूंगा। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरे को मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो मेरे को पता है उसको मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा मैं बोल दूंगा कि अपने वेट से दिखा लो। तो मेरे को बेझिझक जब मर्जी कोई भी कॉल कर सकता है। और लास्ट से 2-3 मंथ से जिस भी भाई का मैंने कॉल ना उठाया हो, ठीक है, मेरा एक थोड़ा बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया कई भाइयों की, तो उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। और अब जो भी डे में नाइट में एवरी टाइम 24 आवर्स मेरे को कॉल कर सकते हो आप, ये मत सोचना कि आप मेरे को परेशान कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप परेशान करो, मेरे बुरताड़े से किसी भाई का भला हो तो मैं बहुत बहुत आप सभी का एहसान मंद होऊंगा। आप कॉल करना, आप सबका जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। बाकी आप करते हैं वीडियो स्टार्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है वेट। कैसे हैं सब, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का मौसम बड़ा जबरदस्त हो रखा है। सबसे पहले तो मौसम दिखा देते हैं भाई, बाकी काम बाद में। चेक करो मौसम, एक नंबर। ला भाई कैनल पर जाने की तैयारी हो गई है, और अपने दोस्त श्री दालू है यहाँ दोनों। चलो चलो चलो, थोड़ी आने लग रहा है, मैं इतना बाल बूल सेट कर लूँ। चलिए फिर भाई, बारिश मस्त आ रही ऊपर, एक नंबर की। देख लो मौसम, बारिश चल रही है थोड़ी थोड़ी। देख लो भाई पहुंच गए कैनल पे, और आज ये भी सारे परेशान हैं बेचारे आज यहाँ, क्योंकि आज ये खुल नहीं पाए। आज बस ये बाहर वाले केज में खोल दिया था। देख लो आज इनकी सारी एनर्जी बची हुई है, नहीं तो सारे खेल कूद के अब तक तो सारे ऐसे पड़े रहे थे कि जैसे पता नहीं कितने दिन के रोटी नहीं खाई हो ना। आज यहाँ इनका ही हो रहा कि बस खोल दो, खोलने के बाद बाकी। हाँ क्या हो गया निकुंज, जिसमें छोटे वाली जूली ना निकाल भाई, इसका क्या हो गया? लग रहा है ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसका। हाँ यहाँ पर ना। हाँ निकाल इसको एक बार, रुक जा मैं निकालता हूँ। आ जाएगी जूली, तेरे को जाना बाहर, बस बस भाई। इसको थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही है, निशान सा लगा, देख लेते हैं क्या कुछ हो रखा है। बस 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 क्या ये है? ये क्या रखा है तेरे को? ओहो इसको थोड़ा सा पंगल हो गया भाई। तो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था ना, रुक जा आराम से, शांत हो जा। लो जी ये क्या हो गया भाई साहब, जूली को ये है फंगल। ये पहले एक दिन और मैंने इसको देखा था, तो मैंने इसके ऊपर है ना की स्किन का लोशन लगा दिया था इस जगह पे, और ये अब आगे बढ़ गया। ठीक है, ये होता है, बताया था कि ये डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डिलीवरी करती है फीमेल बच्चों का, पोटी वगैरह चाटती रहती है, उसकी वजह से ना थोड़ा स्किन में इन्फेक्शन आ जाता है, उसके बाद कोट भी जड़ता है, फीमेल को एलर्जी वगैरह टाइप की हो जाती है। अरे भाई सारे सोच रहे होंगे पता नहीं भाई वीडियो के बीच में कहाँ जाने लग गया, भाई जा नहीं रहे कहीं। वो दिखाइए आप सभी को कि जूली को थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, तो कुछ कुछ सामान की अवेलेबिलिटी नहीं अपने पास, सब कुछ खत्म हो रखा है, एक दो इंजेक्शन भी खत्म है, और लोशन वगैरह शैम्पू वगैरह सब कुछ ख़त्म है, तो इसलिए और फीड भी ख़त्म हो रखी है डॉग्स की, अडल्ट वालों की, तो वो सारा कुछ सामान ले आते हैं। ये है भाई ब्रीडर की जिंदगी, किसी टाइम का चैन नहीं है, धूप बारिश सब हर टाइम भागना पड़ता है इनके चक्कर में। बाकी ले आते हैं सामान लेके आने के बाद मिलते हैं आपसे। आए हैं सारा सामान ले आए हैं आज, जो कुछ अपने पास नहीं था, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था, सर्दियों के टाइम में ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। ये कई तरह के होते हैं, इसमें ये एलर्जी बोल लो इसको, फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कई तरह से होती है ये ना, मतलब कुछ ही चंद घंटों के अंदर है ना पूरा, मतलब एक तरह से जख्म बन जाता है। जैसे आप इस चीज़ को इग्नोर मत करना, आपने देख लिया कि फीमेल आपकी खारिश कर रही है या उसको ईचिंग हो रही है, तो साथ के साथ इसका ट्रीटमेंट दे देना, क्योंकि ये चीज़ अगर, जैसे मैंने कल सिर्फ फीमेल कल ईचिंग कर रही थी, उसके बाद मैंने कल शाम को इग्नोर किया, रात को पूरी रात से खारिश कर करके फीमेल ने वहाँ पे जख्म बना लिया, क्योंकि वहाँ पे वो फंगल है, स्किन वहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा नरम हो जाती है, तो पंजे लगने की वजह से वहाँ पे जख्म बन जाता है। तो इसके लिए सबसे आगे जो स्टार्टिंग है,
ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हम फीमेल को नहला नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जो देखो साफ मौसम है, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको, अगर जो आपको साफ मौसम है अच्छा है तो ये पैटीना का शैम्पू आता है, मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, ठीक है। इस पैटीना के शैम्पू के साथ आपको अपनी फीमेल को नहलाना है, ठीक है, पूरा अच्छे से। उसके बाद ये एज अ शैम्पू भी काम करता है, एज अ लोशन भी काम करता है, अगर जब मैं इसको डायरेक्ट भी फीमेल्स को एज अ लोशन लगा दूंगा तो ये पूरा बिल्कुल असर करेगा, ठीक है। उसके बाद एक की स्किन का लोशन आता है, थोड़ा पास से दिखा दे भाई, ये दूसरी चीज़ होती है की स्किन का लोशन, इसको भी आपको 2 या 3 दिन से लगातार लगाओगे तो ये, क्योंकि इसका फिर ये क्या है, लोशन को पूरा बॉडी में कवर नहीं कर सकते, शैम्पू से पूरा बॉडी में कवर हो जाता है, पर ये क्या है, जहाँ जहाँ आपको दिखे कि ये एलर्जी हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको ये कर ले। अभी हमने बाहर का तो कर लिया कि हम बाहर जहाँ भी जख्म हो रखा है या कहीं भी हमें एलर्जी दिख रही है, दाने वगैरह दिख रहे हैं, रेडनेस दिख रही है, उसके ऊपर हम ये शैम्पू लगा देंगे, ये शैम्पू या लोशन दोनों एक चीज़ होगी, की स्किन का लोशन या क्रीम भी आती है इसकी, ठीक है, या वो लगा देंगे। बाहर का तो हमने कंप्लीट कर लिया, अंदर के लिए एक बॉडी को कि वो अंदर से भी उसको एंटीबायोटिक्स कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि अंदर से एलर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक है। उसके लिए ये टैबलेट आती है, हाइड्रोक्सीजीन की टैबलेट आती है ये, इसको मैं बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट होती है, हाइड्रोजीन 25 के नाम से आती है ये, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको बड़े प्यार से आराम से मिल जाएगी। इसके साथ आपको ये तो लगाने देखो, आपके पास अगर जो बारिश का मौसम चल रहा आप नहला नहीं सकते, ठीक है, तो आपने कीस की लोशन लगा रहे हो साथ में, उसको टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक स्टार्टिंग है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, ये 2 या 3 दिन में कवर हो जाती है। कई मेरे भाई क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं, इंजेक्शन कई बार थोड़ा गर्म इंजेक्शन भी होते हैं, बाकी इंजेक्शन के बारे में मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि कई बहुत से बंदे होते हैं नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, तो वो इंजेक्शन के नाम देख के या कुछ भी देख के छोटा मुंह बड़ी बात करने वाला बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दे। किसी भी भाई के फीमेल्स या डॉग्स है, जो भी है पप्पी है, उसको ज़्यादा एलर्जी हो गया कि ये एलर्जी ज़्यादा मतलब स्किन के सारे हेयर्स फॉल हो गया मतलब, ठीक है, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो गया, शरीर पे सारा फंगल हो गया है, तो उसके लिए मैं इंजेक्शन मेरे को पर्सनल में कॉल कर लेना, मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये बिल्कुल 100% रिजल्ट देगी, 5 दिन के अंदर कितनी भी एलर्जी हो ये आपकी सेट कर देगी। मौसम साफ है तो आप शैम्पू से नहलाओ, ठीक है, शैम्पू से नहलाने के बाद जहाँ जहाँ जख्म दिख रहे हैं कि इसकी लोशन लगा दो, मौसम साफ नहीं है या तो इसको एज अ लोशन लगाओ या इसको एज अ लोशन लगाओ, और साथ में टैबलेट आपको देनी ही देनी है, बाकी अब देना कैसे लगाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जूली है, ठीक है, लास्ट इसने बच्चे भी दिए थे जिसके, इसी फीमेल का हमने पप्पी गिव अवे किया था, तो एक तो इसको मैं टैबलेट अब 5 दिन इसको सुबह शाम मैं टैबलेट दूंगा, रुको बेटा, ये टैबलेट ली, टैबलेट देने का तरीका मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है, नॉर्मली बड़े प्यार से देनी है आपको, ज़्यादा धक्का नहीं करना डॉग के साथ, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, पैटीना का शैम्पू यूज़ करना चाहो शैम्पू यही वाला यूज़ कर सकते हो आप, या इसके अलावा मैं की स्किन ही यूज़ करूँगा, इस पर पहले मैंने 1-2 बार लगा चुका हूँ मैं, तो देखो ये कल लगाया था मैंने, कल लगाने के बाद ये बिल्कुल कवर हो गया। अभी टैबलेट हमने दे दी है और टैबलेट देने के बाद हम इस जख्म के ऊपर ये लोशन लगाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे को जख्म दिख रहा है वहाँ पे मैं लोशन लगा, बाकी अभी यहीं पे था, कल हमने चेक किया था, बाकी सुबह भी पूरा बॉडी फीमेल की चेक की है। इसके बाद अगर जो आपके एक डॉग, क्योंकि एलर्जी है, एलर्जी फैल भी जाती है, तो प्रिकॉशन में हम क्या करेंगे, सभी फीमेल्स को ये टैबलेट तो ज़रूर देंगे साथ में, कि उनको अगर जो थोड़ी बहुत एलर्जी फैल रही है तो उनको वो सेट हो जाए, बाकी 1-2 शैम्पू, क्योंकि इस बार ये एलर्जी है कई वजह से फैल सकती है, टिक्स बाइट की वजह से फैल सकती है, तो मैं 2-3 चीज़ें लेके आया हूँ, देखो ये एंटीबायोटिक शैम्पू भी लेके आया हूँ मैं, एक कीटोक्लोर के नाम से है ये, ठीक है, बाकी टिक्स का शैम्पू भी लेके आया हूँ मैं, फर फ्री के नाम से है ये, 2-3 लेके आया हूँ, बाकी जिसका भी ये चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं, पैटीना मैंने यूज़ किया हुआ है, कीटोक्लोर यूज़ किया हुआ, की स्किन मैं यूज़ करता रहता हूँ, बाकी ये टिक्स के लिए मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ, और टिक्स के लिए बच्चे मैंने एक वीडियो डाली थी, लेटेस्ट वीडियो वो डालेंगे कि अभी थोड़ा मौसम जब ओपन हो जाएगा, अभी जैसे ही मौसम ओपन होगा तो हम टिक्स का भी प्रिकॉशन करेंगे, सभी डॉग्स को देखेंगे, चेक करेंगे कि टिक्स नहीं हो, ये आपको साथ के साथ देखते रहना है हर वीक, गर्मियों में तो हर वीक बाय वीक,
आपको अपने डॉग्स का देखना है कि कोई टिक्स नहीं लगा हो, कोई एलर्जी नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो गया हो, कोई जख्म ना हो बॉडी पे, कोई फुंसी फोड़ा दाद कुछ भी मतलब होगा तो एकदम से गर्मियों में कीड़े भी पड़ सकते हैं, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। थैंक यू ऑल।